ट्रेडिशनल गांव है। लेडीज कोई है जो बात करना चाहेंगे? अच्छा, जमा करते हैं आप खुद ही जमा करते हैं? हाँ। महात्मा गांधी की। इसका भी एक पतला दिखाने होगा, एक मिनट दिखाओ जरा। हो जाती है महीने में इससे इमेज क्या आपकी प्रोडक्ट है अपने आप में इमेज रेस दी। गर्मी में कैसे रहती हैं यार बेचारी, तो मैं सच में मैं इनको सबसे पहले घर बना के देता। आपने इसका नाम आशिक रखा। MMJ वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज है 2 अक्टूबर और मैं एक विशेष लोकेशन पे जा रहा हूँ 2 अक्टूबर का वीडियो कवर करने के लिए, कि वहाँ के लोग 2 अक्टूबर किस तरीके से मनाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए तो भाई मैं अभी पहुंच गया इस गांव में और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल गांव है बिल्कुल। और यहाँ पे महिलाएं सारी स्वच्छता अभियान के लिए हैं। ये है, हाँ हाँ आप लोग करो। तो यार मैं जरा इनसे जो यहाँ के लोकल्स उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आइए आइए सर, हिंदी में बात हो पाएगी? हिंदी में जमते, मराठी में जमते। हिंदी हिंदी हिंदी। नाम क्या है सर आपका? नीलकंठ। नीलकंठ। तो आज है 2 अक्टूबर और अभी ये पूरी साफ सफाई करने महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो आप लोग ये हर साल करते हैं? हर साल करते हैं। अच्छा, तो स्वच्छता हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है आप बता सकते हैं? आइए आइए, कोई भी बताइए। मेरा नाम अरुण मार्कन लेदे, उप सरपंच 2013 से 2017 तक था मैं। और ये अभियान जब से चालू हुआ है ग्राम स्वच्छता अभियान, तो इसके माध्यम से हम हर साल ये लेडीज लोगों को जेंट्स लोगों को पकड़ के हम हर साल ये कार्यक्रम शुरू रखते हैं। और इसके कारण जो आरोग्य के जो अपने को स्वच्छता के माध्यम से आरोग्य स्वच्छ रहता है और आरोग्य के कारण अब हमारी बीमारियां कम होती है। लेडीज कोई है जो बात करना चाहेंगे? सर्वांना माझे नमस्कार। माझे नाव अनिता अरुण लेते, मुक्काम मोगरा, तहसील सडकर, जुनी, जिल्हा गोंदिया। मी सकाळी ह्या सर्व महिलांना फिरली आणि आपल्या गावामध्ये स्वच्छता अभियान आहे म्हणून सांगितली। आपल्या गावामध्ये स्वच्छता अभियान साफसुथरं झालं पाहिजे म्हणून मी सर्व महिलांना माहिती देत आहे आणि गोळा करून सणारी स्वच्छता अभियान राबविली। धन्यवाद। तो यहाँ यार स्कूल में जो है कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, थैंक यू बाय बच्चों, बाय। तो भाई अभी हम आ गए हैं ग्राम पंचायत में और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कार्यक्रम होता है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पता चली कि इस गांव में एक समिति है, एक एनजीओ काइंड ऑफ समझ लो आप, और वो लोग लोगों की सेवा करते हैं। नरेंद्र महाराज यहाँ के एक संत हैं, उनके अनुयायी हैं ये। तो मैं उनसे जाके भी थोड़ी बातचीत करता हूँ आखिर वो क्या करते हैं, उनका क्या किस तरीके का काम है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो काम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये बहुत ही इंटीरियर एरिया है, यहाँ पर इस तरीके की सेवाएँ देना लाजवाब है। तो चलिए थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताएं सर। गोपाल पंडरे। पंडरे, तो आपकी समिति क्या काम करती है और इसका क्या वो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ मेरे को। हमारी स्व संप्रदाय समिति एक पूजा अर्चना वाली समिति है। अच्छा। नरेंद्राचार्य जी महाराज नानी धाम से। हमारी समिति ये स्वच्छता अभियान
का काम करती है, किसी को मदद करना है कुछ इस तरह से। और ये हाईवे पे हमारे जगतगुरु की तरफ से एम्बुलेंस मिला हुआ है, उसका नंबर। जैसे कोई अपने हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो उनको वक्त पर हॉस्पिटल तक जाने के लिए कुछ साधन होना चाहिए ना, इसलिए हमारे गुरु ने यहाँ एक एम्बुलेंस दी है। उसका नंबर है 88826630। 88826630। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारी एम्बुलेंस बिना मूल्य उसका कोई पैसा देना नहीं है। अच्छा, उसका कर सब। और भाई ये हाईवे बहुत ही खतरनाक हाईवे है, अभी आते हैं मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो उसी हाईवे में अक्सर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। और इसके अलावा और क्या करते हैं? एक तो हाईवे वाला है, और लोगों की और बाकी कैसे हेल्प करते हैं? हम व्यसन मुक्ति के लिए भी हम काम करते हैं, नशा मुक्ति जिसे बोलेंगे। हाँ। अच्छा, तो आपके समिति में कितने लोग होंगे? हमारे 78 लोग है इस गांव में जुड़े हुए। हाँ। तो इसका फंड वगैरह सब वहीं से आता है? नहीं, हम अपने अच्छा जमा करते हैं। आप खुद ही जमा करते हैं? हाँ। भाई ये बहुत जबरदस्त है। आप किसी से कोई हेल्प नहीं मिलती है आप लोगों को? भाई ये जो हाईवे है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जब अपनी गाड़ी लेके आया तो मेरी हालत ख़राब हो गई, और अक्सर इस हाईवे में की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब मैं सड़क अर्जुनी से यहाँ तक चला के आया तो वहाँ के लिए इन्होंने एम्बुलेंस रखी अपने खर्चे से, मायने रखती है भाई ये बात। बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो भी कार्यक्रम था वो निपट चुका है, और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन इस गांव का। यहाँ के लोग चटाई बुनने का काम करते हैं, तो यही होता है, यही ब्यूटी है वीडियो मेकिंग की। आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को दिखा सकते हो जो लोग नहीं देखे हैं। कितना सुंदर गाँव है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, कितना प्यारा लोकेशन है, और यहाँ पे लोगों का व्यवसाय में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं। तो अभी यार इस गांव का जो प्रोफेशन है वो दिखाने के लिए मैं आ रखा हूँ। यहाँ पे लोग ज्यादातर वो बनाते हैं चटाई। ये कौन है घर के मुखिया? अनिल, अनिल बोरकर जी के घर पे आ रखे हैं। तो ये इनका, ये देखो ये चटाई बना रहे हैं बांस से। बोरकर जी बोला, ये बताइए एक एक चटाई कितने की है? ये 70 रुपए की। 70? 70 रुपए की एक चटाई। एक हफ्ते में कितने बिक जाती होंगी? 40-50 एक हफ्ते में। ये ऐसे छिला जाता है भाई, दिखा जरा। कभी एक पतला दिखाओगे? एक मिनट दिखाओ जरा। ये ऑलरेडी इतना पतला है। ये कौन सा है? ये कौन सा बांस? नॉर्मल बांस है? हाँ, बांस। ये बांस की भी कोई वैरायटी है? नहीं जी। ये गृहणी है। कितनी कमाई हो जाती है महीने में इससे? फिर भी 15,000 हो जाती है। खरीदने वाले गांव में आते हैं? हाँ, ठेकेदार आता है। अच्छा, ठेकेदार आता है। आप लोग डायरेक्ट ले जाके नहीं बेचते? नहीं। ऐसा क्यों? बड़ा दूर कौन जाए जी। अच्छा, जाने ले जाने का खर्चा अलग आता है। ओके है ना? तो अभी एक्चुअली इसमें को ये समझ में आया कि इसमें आपकी जब से खर्चा कुछ नहीं, सिर्फ मजदूरी है, मतलब अपनी जो मेहनत है वही है। अच्छा, बांस भी आप जंगल से मिले जाता है, तो ये अच्छा है। बांस खरीदना पड़ता है? कितने का आता है एक बांस? 22 रुपए का एक बांस, और 70 रुपए में। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। एक बांस में कितनी चटाई बनती है? एक पूरी बन जाती है, मतलब 22 रुपए लगा के 70 रुपए। अरे आप इधर आओ यार, आप कैमरे में आओ, थोड़ा इधर आओ ना, आप छुप क्यों रहे हो?
अरे आप बोल बोल पा रहे हो, इधर आ जाओ यहाँ पे, अरे आधी लेंगे आपके। तो ये 22 रुपए में आप बांस खरीद लेते हो, 70 रुपए में बेचते हो चटी, 70 चटाई, एक चटाई, एक चटाई 70 रुपए। अच्छा, तो ठेकेदार कितने बेचता हुआ? 70 रुपए कम से कम, वो 100 रुपए में बेचता होगा, उससे भी ज्यादा बेचता हुआ। हाँ, उससे भी ज्यादा बेचता। हाँ, तो बीच में 30 रुपए का वो लाने ले जाने का वो अपना। हाँ, बढ़िया है। तो आप भी बचपन से यही काम कर रहे हो? हाँ, आप अपना नाम बताओ आपका। नाम? मेरा नाम अनमोल बोरकर है। अनमोल बोरकर। अच्छा, तो शहर में आप लोग ले जाके क्यों नहीं बेचते? नहीं, शहर में उतनी हमारी ये नहीं है ना, इमेज नहीं है कि वहाँ तक की गाड़ी खुद करो। फिर इमेज क्या आपकी, प्रोडक्ट है अपने आप में इमेज? प्रोडक्ट तो ये ऐसा नहीं है ना, ठेकेदार जबकि ठेकेदारी करने के लिए कम से कम अपने पास 50,000 रुपए चाहिए। अच्छा, 50,000, जबकि 50,000 रुपए की ये गाड़ी भर सकते है, तभी हम गाड़ी वालों को कॉल कर सकते है कि तुम हमारे पास में माल है तो आप गाड़ी लेके आओ। लोन वगैरह लेके अगर आप करते हो गाड़ी वगैरह, तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा या कम होगा? मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ। ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा, ऐसा सोचा जा सकता है भविष्य में। बढ़िया है। अभी ये जो व्यवसाय है, इसके जो ठेकेदार है किसी गांव के, तो उन्होंने बताया तो उनके यहाँ घर में जाके देखते हैं भाई इस बिजनेस का या इस उद्योग का क्या कच्चा चिट्ठा है। नमस्कार, आपके काम का वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो भैया ठेकेदार जी मिल गए, तो क्या नाम हुआ सर आपका? सिद्धार्थ परशुराम रामटेके। सिद्धार्थ परशुराम रामटेके। तो ये कितने में बिकता है? ये 80 रुपए चटाई। 80 रुपए। तो अच्छा, कितने बिक जाती होगी फिर भी? ओ, कहाँ कहाँ बेचते हैं? 500 चटाई हफ्ते की। हफ्ते की 500 बिक जाती है? वो खोबरागढ़ लेके जाता है हमारा माल। खोबरागढ़। हाँ, ये नागपुर तक लेके जाता है? नहीं, वो नांदेड़ बेचता है। नांदेड़ बेचता है, मतलब नांदेड़। वो मेरे पास से लेके जाता है और वो नांदेड़ उधर। अच्छा अच्छा, मतलब आप, ओके ओके, आप यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, वहाँ से कोई और ठेकेदार? हाँ, लेके मैं लेता हूँ, मैं वो खोबरागढ़ के देता हूँ और वो खोबरागढ़ नागपुर में बड़ा सप्लायर है वो। नांदेड़। चलो भैया, रामटेके जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये इसकी जो है ठेकेदारी भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामटेके जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यार मेरे को ना यहाँ पे भी जा रहा था तो मुझे वो बांस दिखा जिससे कि ये लोग बनाते हैं, तो जी काय म्हणते, चांगली आहे? सर्व ठीक आहे? हो। रे दी गर्मी में कैसे रहती है रे बेचारी? गर्मी छोड़ो, लेकिन ये रहते कैसे है देखो। अरे बाप रे भाई, ये देखो ये कैसे रह रहे हैं। ये पूरा पानी आता है बरसात में, बोली ऊपर से ये कागज ओढ़ के छोड़ के छत। अरे इनको घर बना के दो यार। घर अभी बना के देंगे तो आदमी तो नहीं आ रहा है ना, 15-20 दिन हो गए उसको बोला, उसके तरफ 10,000 का टेंडर दे दिया। भाई अगर मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल होता ना तो पहले तो मैं सच में मैं इनको सबसे पहले घर बना के देता, ये बात तो है, लेकिन कुछ हेल्प जरूर करके जाऊंगा। अब घर बन जाएगा आपका, ठीक है, टेंशन नहीं है, हम वीडियो में भी बता रहे हैं, ठीक है। जितनी हेल्प हमसे हो सकती थी हमने प्रयास किया, और आप अब टेंशन मत लो। तो यार आंखों तो चला गया, तो ये आजी हैं? हाँ, आजी को देख के मुझे अब ये ध्यान आया इनकी परिस्थिति देख के कि सेविंग क्यों जरूरी है। भाई मेरे को सच में बता रहा हूँ दीदी, मेरे को मेरा बुढ़ापा एकदम दिखता हुआ नजर आया, और इसीलिए भाई ऐसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दे। जबरदस्त है। क्या नाम है यार तुम्हारा? आशिक बोरकर। आशिक? हाँ। अरे आशिक नाम किसने रखा? माँ पिताजी ने। आपने इसका नाम आशिक रखा, मतलब किस लिए? यार ये बढ़िया जबरदस्त चीज लगी यार, इसका नाम सुन के मैं रह नहीं पाया। आपने आशिक क्यों रखा? लड़की नहीं रखा, पिक्चर पिक्चर देख के।
अरे भाई गजब है भाई तुम्हारा नाम है। मुझे ना इनके जो मराठी गांव है इनके घरों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिपाई है, ये देखो ये एकदम प्लास्टर जैसा लगता है। ये गोबर की लिपाई है ना, गोबर सही है भाई, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये गोबर की लिपाई है। देखो मिट्टी मिट्टी और गोबर को मिक्स करके, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा कि प्लास्टर किया हुआ है। हाँ ये देखो इसके ऊपर ये पेंट कर देते हैं और एकदम जबरदस्त लगता है। यहाँ देखो यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्लास्टर है या मिट्टी है, बट ये घर के अंदर पूरा का पूरा ऐसा ही है। भैया ये जिस गांव में मैंने अपना पूरा का पूरा वीडियो बनाया है इसका नाम है सलंग टोला। और कैसा लगा ये मेरा प्रयास ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ लाइक शेयर तो बिल्कुल बनता ही है, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कुछ नहीं जानता भाई, 1000 सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।